भाइयों, क्या तुम्हें ये पता है कि जब किस्मत हमारी साथ नहीं देती तो हमारे साथ कितना बुरा हो सकता है, कितना ही बुरा हो सकता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बताता हूँ। यह है फ्रीएस्ट टू वेदम वुडबरी गेट अवे, एंड इसका फुल गेम प्ले वर्क थ्रू मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड करके रखा है पूरा वो भी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। जब ये मैं गेम खेल रहा था, रिकॉर्डिंग में 3 से 4 बार मुझे परेशानी आई। रिकॉर्ड किया गेम, फाइल करप्ट हो गया, 3 4 बार हुआ, बार बार खेलना पड़ा। वीडियो एडिट कर रहा था, सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया। वीडियो एक्सपोर्ट कर रहा था, 15 बार सॉफ्टवेयर क्रैश करा है। इससे पहले भी बहुत बहुत गेम प्लेज खेल चुका हूँ, लेकिन पता नहीं इस बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे बैड लक का गुड लक चल रहा है। खैर, अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर रोना धोना क्यों कर रहा हूँ। तो क्या हुआ ना कि वो फुल गेम प्ले वक्त जो मैंने अपलोड किया था फियर्स्ट ऑफ एथम का, वो मैंने पूरा खेला, पूरा एडिट किया, पूरा अपलोड किया, पूरा एक्सपोर्ट करके। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे उसे चेकआउट किया कि पूरा का पूरा सब कुछ सही है कि नहीं, तो मुझे सब कुछ सही दिखा पहले तो। लेकिन 2 3 दिन बाद मुझे कोई तो कहता है कि भाई एंडिंग सीन तो इसमें है ही नहीं। सो आई वॉज लाइक व्हाट, इम्पॉसिबल। देन मैंने फिर से खुद से चेकआउट किया, एंड देन या वो सही था। एंड तब मैंने अपनी इस बद्दी सी किस्मत को स्वीकार लिया कि नहीं, बहुत ज़्यादा बेकार किस्मत है मेरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो चलो इसको अभी एंडिंग खेलेंगे एंड अपलोड करेंगे, क्योंकि कोई गेम तो ऐसे आधा अधूरा छोड़ नहीं सकता मैं चैनल पर। सो या टुडे वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर ऑफ फियर्स टू फैथम स्टोरी एपिसोड जो भी है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, हाइडिंग इन बेसमेंट। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, 1 मिनट, मेरा माइक का स्लाइडर ऐसे काम क्यों कर रहा है? ये तो ऑफ होता है मेरा, ये काम ही नहीं करता, सच्ची बता रहा हूँ मैं। भागते लोगों, नोरा का कॉल आ गया, बेवकूफ़ नोरा। अगर तुमने वो वीडियो देखा है ना फियर्स टू फैंथम का, लाइक जो फुल गेम प्ले वॉक थ्रू के नाम पे मैंने अपलोड कर रखा है, जो फुल है नहीं, ठीक है, उसमें ये बंदी बहुत परेशान करती है। वैसे हाँ, वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर लिंक होगा। वैसे भी चैनल पर अभी मिलियंस पे व्यूज़ आ रहे हैं, सो या समझो व्यूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो वो नीचे माइक आ गया है, ठीक है। मैं ऊपर छुपा था, वहीं तक आया है वीडियो, उस पिछले वाले पे जो कि पूरा है नहीं, लेकिन वो पूरा है, मतलब उसका नाम पूरा है, लेकिन खुद वो अंदर से पूरा है नहीं, मतलब समझो तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। बुड्ढा बाहर जाएगा, एंड देन हमें बाहर निकल के वो स्टूल लाना होगा। आवाज़ आ गया, इसको खोलो। इसको यहाँ पे प्लेस करना है, एंड जब नोरा किम बेवकूफ़ औरत का कॉल आएगा, हम ऐसे ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ मैं उसके कॉल आने तक का, बस ऐसे, मतलब लाइफ में किक चाहिए। आ गया। अरे अरे, बुढ़े ने लॉक कर दिया था स्क्रीन हमारा। स्क्रीन क्या होता है भाई, डर में देख रहे हो तुम सब, ऐसे इधर उधर हो जाता है। रुको, यहाँ पे एक लाइट है, बुढ़ा भी इधर ही है, ठीक है। ये देखो, चेकआउट कर रहा है। बुढ़े को इतना समझ में आया नहीं अकल में कि वहाँ पे एक स्टूल है, कोई ऊपर आ सकता है। वैसे बेसिकली ना बुढ़े को पता ही नहीं है। 1 मिनट, बुढ़ा ऊपर देख रहा है क्या? नीचे माइक चिल्ला रहा है। बेसिकली इन सभी लोगों को पता चल गया सब कुछ। एंड या रिक विल्सन, ये असली वाला मैसेज कर रहा है, आर यू ऑलरेडी, आई हैव कॉल्ड 911, मतलब पुलिस, तेरे को आखिरी बार देख रहा हूँ। वैसे उस रिक का ही बिल्ला है, जो फेक रिक है ना, उसका ही बिल्ला है ये। तो या बहुत हो गई, अभी चलो इसको ख़त्म करते हैं, नीचे चलते हैं। बुड्ढा वैसे चला गया, एंड द स्टोरी, अरे हो गया ना, यस, सूदिंग म्यूजिक हो गया भाई, ठीक, मज़े ही मज़े हमें। चलो अबे, एंड हो गया इस खुशी में। इतना स्लो चलती है ना ये बंदी, बता नहीं सकता मैं तुम्हें। माइक तोड़ ले दरवाज़ा। यहाँ पे मैंने, अगर तुम लोग वो वाला वीडियो देखते ना जो कि पहले था, जो अपलोड हुआ नहीं पूरा, वो देखो, नोरा किम क्यूट, ब्यूटीफुल है भाई, क्यूट तो है, ब्यूट बोलने जा रहा था मैं तो। हाँ, वो उस वीडियो पे ना ये दरवाज़ा तोड़ने पर मेरे को एक जंप स्केयर से आया था। आई टोल्ड देम एवरीथिंग दैट हैपेंड आफ्टर माइक एंड लिफ्ट। रिक हैड कॉल्ड द कॉप्स, मतलब जो असली वाला रिक है उसने, द स्टॉर्म हैड क्विटेड डाउन बाय द टाइम दे अराइव्ड, एंड ऑफ कोर्स द मैन वॉज नो वेयर टू बी सीन। मेरे को लगा था कि ये बंदा ना पकड़ा गया है पुलिस का, तो लेकिन ये भाग गया, उसको मिला ही नहीं और कहीं पे, वो ऐसे छू मंतर मिस्टर इंडिया हो गया वो। ऑन आवर ड्राइव बैक द होल नाइट प्लेड ओवर एंड ओवर इन माई हेड, वी थिंक दैट द मैन
We think that the man we saw secretly lived in that cabin when it wasn't being used. वो जो नीचे बेसमेंट था उस एरिया पे, याद है तुम्हें, लॉक था वो, वहाँ पर एक्सेस नहीं था, वो बंदा वियर्ड से एक्ट कर रहा था ऐसे सस्पिशियस सा. तो वहीं पे जो डोर लॉक था उसके पीछे वो रहता था एंड प्लान्ड ऑन रॉबिंग अस ड्यूरिंग अवर स्टे. बट कॉप्स सीम टू थिंक देयर वॉज मोर इंटेंट बिहाइंड दिस मैन्स एक्शंस असाइड फ्रॉम जस्ट रॉबिंग अस. मतलब ये बंदा पुलिस, मतलब वो लोग सोच रहे थे कि इन्हें रॉब करने के लिए, लूटने के लिए था, लेकिन पुलिस ऐसा मानती है कि के पीछे और भी कोई वजह हो सकती है. रिक आस्क्ड मी व्हाट द मैन लुक लाइक एंड आफ्टर दैट ही डिडंट आस्क एनी मोर क्वेश्चन. जो असली वाला रिक है उसने ये पूछा, ठीक है. ऐसा है कि ये रिक ना जानता उस बंदे को जो कि छुपा रही है. वी थिंक ही न्यू मोर देन ही वॉज लेटिंग ऑन. डेफिनेटली वो उसके साथ, उसका कोई ऐसे पास्ट रिलेशन तो होगा, उसका भाई, दोस्त, फैमिली मेम्बर, कुछ भी हो सकता है वो, जिसके पास अभी भी उस घर का एक ऑब्सेशन सा है एंड वो उस घर को छोड़ना नहीं चाहता. दैट्स वाई वो हर बात पर ट्रिगर हो जाता था एंड उसी घर पे रहता है एंड ये जितना भी सिनेरियो हुआ ये सब हुआ, वरना समझ ही सकते हो तुम, है ना. बट इन द एंड ही गेव अस अ फुल रिफंड. पूरा रिफंड मिल गया इन्हें पैसे का, तो डेफिनेटली ठीक है. पूरा स्टे जो कि बुक किया था इन लोगों ने. सो इज़ दिस ओवर? यप, दिस इज़ ओवर. एंड यहाँ पे मैं एक ऑडियो क्लिप ऐड कर दूंगा जो कि मैंने पिछले वाले के लिए रिकॉर्ड किया था. बेसिकली फेस्ट टू फैथम को बहुत ज़्यादा मैं यू नो प्रेस कर रहा था क्योंकि फेस्ट टू फैथम इज़ माय पर्सनल फेवरेट सीरीज ऑफ साइकोलॉजिकल हॉरर गेम्स. गेम के हर एक जंप स्केयर्स, हर एक साउंड इफेक्ट्स, हर एक म्यूजिक, हर एक डायरेक्शन, सीन्स, एवरीथिंग वॉज टॉप नॉच एंड 10 out of 10. आई एम ट्रूली स्पीकिंग भाई. एक अलग ही फील देता है, यू नो, एक अच्छा सा लगता है, मतलब दिल से. पता नहीं क्या है लेकिन, बट फियर्स टू फैथम इज माय फेवरेट, वेरी मच फेवरेट. ओके, सो या बहुत सारे इंडियंस ने काम किया है गेम के ऊपर एंड एक सूदिंग म्यूजिक के साथ, सूदिंग सीन के साथ यहाँ पर ये कॉप्स एंड वो बाहर माइक है, किस एकदम मस्त तरीके से गेम खत्म हो रही है जो कि बहुत अच्छी बात है. एंड प्रोबेबली ये इस चैनल पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट कोई पहला वीडियो है, खैर जो भी है. अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो डेफिनेटली बात है या लाइक करना, बाकी के सारे वीडियोस चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, सब्सक्राइब करना ऐसे और गेम प्ले वीडियोस देखने के लिए जो कि पूरे आएंगे अब से, आई प्रॉमिस. एंड यार कमेंट करके बताओ तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारा कोई ओपिनियन शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ अगर तुम चाहो तो, बाकी तुम्हारी मर्जी. और मेरी तुम्हारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले किसी वीडियो पे. टिल देन, बाय बाय दोस्तों.